नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केपी। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वो है दोस्तों सर्कल के ऊपर। सर्कल के बारे में आज हम शुरू करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या होता है सर्कल। तो सर्कल जो दोस्तों ये है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त बोलते हैं। वो चीज़ है जो सर्कल, इसको बोला जाता है कि एक गोलाकार आकृति वाला कोई भी चीज हो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ओके, गोल जो होता है, राउंड शेप जो होता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल मैथ्स का एक बहुत सुंदर सा एक चीज़ है, जिसमें सेंटर में देखिए दोस्तों ये कि जो बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट जो है, ये सेंटर पॉइंट से लेके हम सर्कल के चारों तरफ के जो बॉर्डर है उसका नाप हम नापते हैं। ठीक है, सेंटर पॉइंट से सर्कल के चारों तरफ समान होता है। ओके, ये सर्कल के चारों तरफ समान होगा। तो देखिए दोस्तों, सर्कल के सेंटर पॉइंट के बीच में से जो लाइन जाता है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं, डायामीटर। और दोस्तों सेंटर पॉइंट से लेके कोई भी साइड वाला जो हिस्सा होता है वहाँ तक जो दूरी जाता है उसको हम बोलेंगे रेडियस। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो रेडियस होता है, मतलब इस सेंटर से लेके यहाँ तक एक रेडियस, और सेंटर से लेके दूसरी तरफ जो हमारा साइड है वहां तक एक रेडियस होता है। दो रेडियस मिलके दोस्तों एक डायमीटर होता है। तो सिंपल तरीके से ऐसे बोले, डायमीटर किसको बोला जाता है, जो सेंटर पॉइंट से लाइन जाएगा सर्कल के एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, इसको बोलेंगे हम डायमीटर। रेडियस बोलेंगे सेंटर के सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेके किसी भी साइड के लाइन तक, अगर कोई लाइन खींचा जाए साइड के जो कार्व लाइन है वहां तक अगर कोई लाइन खींचा जाए तो उसको, चाहे वो इधर से यहाँ तक हो, चाहे वो इधर से लेके यहाँ तक हो, चाहे यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट से लेके इस तरफ हो, किसी भी तरफ अगर लाइन खींचा जाए एक तरफ, तो उसको बोला जाता है रेडियस। तो देखिए, दो रेडियस मिलके एक डायमीटर होता है, इसका मतलब ये है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ, और डायामीटर रेडियस का डबल होता है साइज में। ओके, तो ये सिंपल सा मैथ समझ लीजिए। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों, ये जो है हमारा सर्कल, हमने एक ड्राइंग किया है सर्कल, जिसके अंदर हिस्से में हमने ग्रीन कलर दिया हुआ है, और सर्कल के देखिए बाहरी हिस्से में डॉट 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 लाइन अभी ड्राइंग हुआ है। इसका मतलब ये सर्कल के बाहरी जो सिरा है यहाँ से लेके घूम के दोबारा, ये पूरा घूम के दोबारा यहाँ तक आने में सर्कल का बाहरी जो हिस्सा है उसको जो नापेंगे, इस नाप को हम क्या बोलेंगे, सर्कमफरेंस। क्या बोलेंगे, सर्कमफरेंस, इसको परिधि भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सर्कमफरेंस या परिधि जो है ये सर्कल के बाहरी हिस्से का नाप होता है। तो दोस्तों सर्कल का पहला जो पॉइंट हम सीखेंगे कि द सर्कमफरेंस इज द डिस्टेंस वन राउंड द सर्कल, मतलब सर्कल जो है इसमें चारों तरफ से घूम के जो लाइन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफरेंस बोलेंगे। ओके, सेंटर बीच में आता है और उसके बाद एक लाइन आता है, क्या है ये लाइन, द डायामीटर गो स्ट्रेट अक्रॉस द सर्कल थ्रू द सेंटर, मतलब डायामीटर जो है ये सेंटर से होते सीधा जाएगा। सेंटर से कोई भी किसी तरफ का लाइन ड्रॉइंग कर दिए, चाहे ये ऐसा है, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे टेढ़ा कर दिए, लेकिन सेंटर से अगर कोई लाइन जाए सीधा लाइन, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास आता है वो है रेडियस। तो रेडियस क्या है, द रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स, मतलब सेंटर से लेके बाहरी हिस्से तक कोई भी लाइन, जो सेंटर से लेके आपका बाहरी हिस्सा, सेंटर से लेके बाहरी हिस्से तक कोई भी लाइन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलते हैं दोस्तों। तो उसके बाद और एक पॉइंट आता है, व्हेन वी डिवाइड द सर्कमफरेंस बाय द डायामीटर वी गेट ए वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिच इज द नंबर ऑफ पाई। तो मतलब पाई क्या है, देखिए ये सर्कल का जो सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस मतलब चारों तरफ का जो ये लाइन का नाप है। ठीक है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके दोबारा घूम के इस पॉइंट तक आने में जितना दूरी होता है, उस दूरी को अगर हम ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डायमीटर वाला दूरी होता है उसे डिवाइड कर दे, जो वैल्यू मिलेगा वो पाई होगा। कब, जब आपका डायमीटर का नाप वन हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, चाहे 1 किलोमीटर, चाहे 1 डेसिबल मीटर, कुछ भी आपका हो सकता है। तो जो वन होगा जब डायमीटर का वैल्यू, तो अगर उससे आपने आपका जो
चारों तरफ का जो सर्कमफेरेंस है उसको डिवाइड कर दिया तो आपका जो वेल मिलेगा वो है पाई। तो दोस्तों ये पॉइंट्स तो गए, अभी कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदरी हिस्सा सुंदर इरेगुलर है, चारों तरफ लाइन है, तो अंदरी वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, सर्कल के अंदर वाले कोई भी पार्ट को आप बोलेंगे एरिया। क्या बोलेंगे? पूरे पार्ट को बोलेंगे एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर मतलब यहाँ पर पाई का वैल्यू है 22/7। आर का मतलब है रेडियस, मतलब दो रेडियस मिलकर रेडियस के स्क्वायर कर दीजिए, रेडियस इंटू रेडियस, मतलब रेडियस अगर पॉइंट्स इस पॉइंट सेंटर पॉइंट से लेकर किसी भी साइड तक आपका जो वैल्यू आएगा, चाहे वो 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 4 सेंटीमीटर हो, चाहे 5 सेंटीमीटर हो, उसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, और उसके साथ पाई 22/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका एरिया कितना है इसके अंदर। तो दोस्तों ये था, इसको याद रखने के लिए आपको क्या एक फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर्ड। ये सुनने में मजेदार चीज़ है दोस्तों कि पाई आर स्क्वायर्ड, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर्ड ये कहाँ से आया? देखिए पाई ये जो शब्द है ना, इसको हम इजीली याद रखने के लिए लोटो पाई, चोको पाई, छोटे बच्चे जो खाते हैं ना, इसको याद रखिए। तो ये पाई का शेप क्या होता है? पाई का शेप होता है सर्कल, लेकिन हमने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर्ड। तो मतलब पाई आर स्क्वायर्ड ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए याद रखना है कि जो लोटो पाई चोको पाई है वो सर्कल ना हो के क्या होना चाहिए था, स्क्वायर होना चाहिए था। ओके, तो ये तो फनी चीज़ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है, आप एक सर्कल ले लेते हैं, उसमें क्या क्या कौन सा चीज़ होता है, आपको लाइन्स जो होते हैं ना सर्कल के अंदर और बाहर, तो ये सारे अंदर और बाहर वाले लाइन्स कैसे याद रखें? तो देखिए यहाँ पर हमको मालूम है कि सर्कल का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं डायामीटर। डायामीटर का हाफ जो सेंटर से लेके कोई भी साइड तक लाइन होता है उसको बोलते हैं रेडियस। सर्कल के सेंटर के अलावा किसी भी जगह से दूसरी जगह तक जो स्ट्रेट लाइन जाएगा, सेंटर को नहीं छुएगा ये, तो इसको कॉर्ड बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड अंदर ही हिस्से में होता है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसे ही लाइन बाहर से सर्कल को छू के जाए तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो टेंजेंट बोलेंगे। उसके बाद आर्क। आर्क क्या है? सर्कल का जो ये हिस्सा है, कोई भी टेढ़ा हिस्सा सर्कल का, बाहरी जो आर्क आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस का कोई भी पार्ट, ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल का कोई भी पार्ट, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक हो, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक हो, ये जो टेढ़ा जो लाइन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? आर्क। तो हमने अभी 2-3 चीज नया सीखे। कॉर्ड सीखे। कॉर्ड मतलब ऐसे एक लाइन जो सेंटर के किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट तक जाएगा लेकिन सेंटर को नहीं छुएगा, ये अंदर रहेगा कॉर्ड। ठीक है, टेंजेंट क्या है? ऐसा एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को छू के जाएगा लेकिन सर्कल के बाहरी हिस्से में टेंजेंट होता है। और आर्क क्या है? आर्क है टेढ़ा हिस्सा सर्कल का, कोई भी टेढ़ा हिस्सा। ओके, नेक्स्ट जो दोस्तों हमारे पास आता है वो है आपका ये सर्कल का सेगमेंट और सेमी सर्कल। सेगमेंट सर्कल का ऐसा एक पार्ट है जो कॉर्ड के द्वारा सेपरेट किया गया हो। आपने कोई भी कॉर्ड ड्राइंग किया है, मैंने ये कॉर्ड ड्राइंग किया था पहले, ठीक है, तो ये कॉर्ड के अंदर वाले हिस्से को, अंदर वाले पार्ट को, जो जहां पर मेरा माउस पॉइंटर अभी घूम रहा है, ये पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ओके, और अगर आपने सर्कल को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया तो एक हिस्से को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे? सेमी सर्कल। और उसके बाद दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपके ये सेगमेंट तो गया, सेमी सर्कल गया, और लेकिन फिर भी हमने इसमें से एक समझ लीजिए आपका ये पिज्जा है। आपने पिज्जा देखा होगा टीवी पे या खाया होगा पिज्जा, तो पिज्जे में से अगर आपने कोई भी पार्ट काट लिया, ऐसा कोई भी पार्ट, केक में से ऐसा कोई पार्ट काट लिया, तो केक या पिज्जे का ऐसा पार्ट जो ट्रायंगल शेप्ड नुमा होता है थोड़ा सा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। तीन चीज यहाँ पर याद रखना है, सेगमेंट जो एक कॉर्ड के द्वारा सर्कल से सेपरेट किया गया हुआ पार्ट है, इसके अंदर वाले हिस्से को हम बोलेंगे सेगमेंट। सेमी सर्कल, सर्कल को हाफ करने के बाद जो दो हिस्से मिलते हैं, ये पूरा एक हिस्सा और ये दूसरा दो हिस्सा, ये हर एक हिस्से को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्वाड्रेंट है
ट्राइंगल शेप कोई भी पार्ट हमने सर्कल से काट लिया तो ये वाला पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतने ही, गुड बाय।